राजधानी रांची में लॉकडाउन के बाद सरकार ने राहत देने के लिए अनलॉक किया था, लेकिन रांची में अपराधी भी अनलॉक हो गए हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। 9 जून को डोरंडा क्षेत्र में हार्डवेयर दुकान में लाखों की चोरी। 21 जून अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कडरू में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी। कोतवाली थाना क्षेत्र के सजना चौक के पास दिन दहाड़े घर में चोरी। 19 जून को अरगोड़ा स्थित ऑफिस में चोरी। 13 जून रातू थाना क्षेत्र में तीरंदाज दीपिका की मां से चेन स्नैचिंग। 15 जून अरगोड़ा थाना क्षेत्र से दो युवक बैटरी चोरी करते गिरफ्तार। 19 जून को चोरी के बाइक के साथ 5 चोर गिरफ्तार। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरा शहर 3 महीनों तक लॉकडाउन रहा। ऐसे में आपराधिक घटनाओं में भी कमी देखी गई थी, लेकिन सरकार ने जैसे ही अनलॉक करने की घोषणा की, उसके बाद से लगातार आपराधिक मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। खासकर दुकान, मकान और बाइक चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। दुकानों में चोरी की घटना होने के बाद दुकानदार भी मान रहे हैं कि हाल के दिनों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। और आज यहाँ पे चोरी हुआ है, यहाँ पे एस्बेस्टस का मेरा था, एस्बेस्टस तोड़ा गया, उसके नीचे पूरा जाली मारा हुआ था लोहा का, उसको भी तोड़ा गया। उसके बाद में फॉल सीलिंग था, मतलब 3 लेयर था, वो तीनों तोड़ के अंदर घुसा चोर लोग और यहाँ से सामान लेके गया। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट था सारा, पंखा था, उसमें वायर था और कुछ और भी आइटम था जो कि महंगा आइटम होता, वही चुरा के लेके चला गया है। रांची में अनलॉक के दौरान चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, इसलिए अब पुलिस को इन शातिर चोरों पर पैनी नजर रखनी होगी, नहीं तो फिर किसी के घर दुकान में ये अपराधी चोरी की घटना को अंजाम दे देंगे। कैमरामैन कौशल के साथ न्यूज 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।